नमस्कार, नवीन योग में आपका स्वागत है। किसी भी शांत स्थान का चुनाव करें, योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएं। योग निद्रा एक आध्यात्मिक नींद। शवासन में लेट जाइए। शवासन की अवस्था में आपका शरीर सिर से पैर तक एक ही सीध में रहेगा। दोनों पैर एक दूसरे से अलग, दोनों पैरों के बीच कम से कम एक फुट का अंतर रहे। दोनों भुजाएं शरीर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहेंगी। सिर सीधा, आंखें कोमलता से बंद करें। एक बार अच्छी तरह अपने शरीर की स्थिति को व्यवस्थित कर लीजिए। शरीर को विश्राम की अवस्था में ले जाएं। योग निद्रा का अभ्यास शुरू हो जाने के बाद शरीर को किसी तरह हिलाना डुलाना नहीं है। आँखों को बंद रखेंगे जब तक खोलने को ना कहा जाए। गहरी श्वास लीजिए और अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो रही है। श्वास को लेकर के छोड़ते समय पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गहरे श्वास लें और श्वास छोड़ते समय अनुभव कीजिए कि शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती जा रही है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। आपका शरीर विश्राम करने जा रहा है, जिस प्रकार रात्रि में सोने के समय शरीर शिथिल हो जाता है, उसी प्रकार अपने शरीर को अभी विश्राम की अवस्था में, शिथिलता की अवस्था में ले जाइए। जैसे जैसे योग निद्रा के अभ्यास क्रम में मन अंतर्मुखी होता है, वैसे वैसे झपकी और नींद आ सकती है, लेकिन आपको सोना नहीं है, पूर्णतः जागरूक रहना है, पूर्णतः सजग रहना है। समय समय पर अपनी सजगता को परखना है। यह कहकर मैं सोऊंगा नहीं, मुझे पूरे अभ्यास में जगते रहना है। अपनी सजगता को, अपनी चेतना को मेरे आवाज के साथ जोड़ दीजिए और मेरे निर्देशों के साथ चलिए। निर्देशों का बौद्धिक विश्लेषण अथवा विचार नहीं करना है, केवल आदेश का पालन करना है, अन्यथा आप मानसिक रूप से विश्राम नहीं कर पाएंगे। अभ्यास के बीच में अगर विचार आए तो आने दें, लेकिन निर्देशों के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें। अपने आप को, अपने शरीर को स्थिर रखें। अपने आप को पूरी तरह से शांत और स्थिर बनाइए। सारे शरीर को शिथिल करने की भावना कीजिए। शारीरिक सजगता और शारीरिक स्थिरता अपनी चेतना को सिर से पैर तक घुमाइए और पूरे शरीर का
अवलोकन कीजिए। पूर्ण स्थिरता के साथ पूरे शरीर के प्रति जागरूक बने रहिए। पूरे शरीर का ख्याल, मानसिक रूप से अपने आप से कहिए, मैं सजग हूँ, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ, मुझे सोना नहीं है, मुझे पूरे अभ्यास के दौरान जागते रहना है। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर को विश्राम की स्थिति में देखिए। शरीर में कहीं भी कड़ापन नहीं है, कहीं भी तनाव नहीं है, पूर्ण आराम। मांसपेशियों में तनाव नहीं है, जोड़ों में तनाव नहीं है, पूरे शरीर को तनाव रहित बना करके स्थिरता का ख्याल कीजिए। मन में यह ध्यान रहे कि सोना नहीं है, मन में यह ख्याल रहे मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ। अब कुछ क्षणों के लिए अपनी चेतना को बाहर के आवाज़ों पर केंद्रित कीजिए। जो भी आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है, जो भी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, जो भी शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, उनके प्रति सजग रहें। किसी भी आवाज़ में अपने मन को टिकाना नहीं है। अपनी सीमा के भीतर सभी आवाज़ों को जिस प्रकार माइक्रोफोन ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार अपनी चेतना के दायरे के भीतर जो भी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, उसके प्रति सजग रहिए। किसी भी आवाज़ में अपने ध्यान को टिकाना नहीं है, बल्कि यह जान लें कि आवाज़ हो रही है, मैं सुन रहा हूँ। और फिर दूसरे आवाज़ की ओर अपने मन को ले जाइए। सभी आवाज़ों के प्रति सजग बने रहिए। अपनी चेतना को शरीर से बाहर पूर्ण रूप से बहिर्मुखी बनाइए। अब श्वास के प्रति सजग बनिए। सामान्य श्वास जो अंदर ले रहे हैं और सामान्य प्रश्वास जो छोड़ रहे हैं। पूर्ण सजग की स्थिति। श्वास को अंदर आते व बाहर जाते हुए देखते जाइए। नासिका छिद्रों में श्वास का अनुभव कीजिए। श्वास नासिका छिद्रों में प्रवाहित हो रही है। जब श्वास अंदर जाती है, तब नासिका छिद्रों में वायु के तापमान का, श्वास के तापमान का अनुभव कीजिए। श्वास छोड़ते हैं तो नासिका छिद्रों में वायु के तापमान का अनुभव कीजिए। श्वास के प्रति पूर्ण सजग रहिए। कोई भी श्वास बिना आपके जानकारी के ना भीतर जा सकती है, ना बाहर आ सकती है। श्वास का ख्याल, श्वास के प्रति सजग। श्वास छोड़ते समय हमेशा ध्यान रखिए कि मेरा शरीर शिथिल होता जा रहा है, विश्राम की अवस्था में जा रहा है। अपने प्रति सजग रहिए, निर्देशों के प्रति सजग रहिए। सोना नहीं है।
अब हम लोग एक संकल्प करेंगे। आपको संकल्प करना होगा। संकल्प आपके विकास एवं रचनात्मक भाव से प्रेरित होना चाहिए। संकल्प आपके स्वभाव या प्रकृति के अनुकूल छोटा, सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। कोई भी एक संकल्प चुनिए। योग निद्रा में किया गया कोई भी संकल्प निश्चित रूप से फलीभूत होता है। संकल्प का चयन करके संकल्प को 3 बार मन में ही दोहराइए, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। अब हम अपनी चेतना को या मन की जागरूकता को क्रमशः शरीर के विभिन्न भागों में ले जाएंगे। अगर हम कहें दाएं हाथ का अंगूठा, बंद आँखों के सामने दाहिने हाथ के अंगूठे को मानसिक रूप से देखेंगे। मन में दोहराइए दाहिने हाथ का अंगूठा और दाहिने हाथ के अंगूठे को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दें। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में हम अपनी चेतना को ले जाएंगे पूरी सजगता के साथ। दाहिने हाथ का ख्याल करें, दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, बगल, दाईं ओर की कमर, दाईं जांघ, दाईं घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, दायां पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, शरीर का दायां भाग, शरीर का दायां भाग। अब अपनी चेतना को बाईं तरफ लाएं, बाएं हाथ का ख्याल करेंगे, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी, बाएं हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, बगल, बाएं ओर की कमर, जांघ, बायां घुटना, बाएं पिंडली, बायां टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, शरीर का पूरा बायां भाग। अब अपनी चेतना को शरीर के पिछले हिस्से में ले जाइए। दायां नितंब, बायां नितंब, दायां पुट्ठा, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर का पिछला हिस्सा, सिर का शीर्ष भाग, ब्रह्मरंध्र। अपनी चेतना को शरीर के सामने लाइए। सिर का ऊपरी भाग, माथा, दाई भौहें, बाई भौह, भ्रूमध्य, दाई आँख, बाई आँख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, नाक, दाहिनी नासिका, बाई नासिका, नासिकाग्र, ऊपर का होंठ, नीचे का होंठ, ठुड्डी, गला, दाई छाती, बाई छाती, छाती का मध्य भाग, नाभि, पेट, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा पीठ, पूरा सामने का भाग,
पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर, पूरा शरीर। आपका पूरा शरीर जमीन पर लेटा हुआ है, अपने शरीर के प्रति सजगता बनाए रखिए। आपका सारा शरीर जमीन पर लेटा हुआ है, मानसिक रूप से पूरे शरीर को ध्यान से देखना है। शरीर पूर्ण रूप से शिथिल व स्थिर है, केवल शारीरिक अवस्था का ख्याल। आपको सोना नहीं है, हिलना भी नहीं है। अब अपनी श्वास प्रक्रिया के प्रति जागरूक बनिए। आप श्वास ले रहे हैं, आप श्वास छोड़ रहे हैं। श्वास के लय को बदलिए नहीं, स्वाभाविक श्वसन क्रिया करते जाइए, स्वाभाविक श्वसन क्रिया को देखते जाइए। श्वास लेने और छोड़ने में कोई प्रयास नहीं करना है, केवल सामान्य श्वास प्रश्वास। अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ही लगाए रखें। अब अपनी चेतना को श्वास की सजगता को अपने उदर क्षेत्र में ले आइए। श्वास के साथ नाभि के उतार चढ़ाव का ख्याल रखें। प्रत्येक श्वास के साथ आपका पेट, आपकी नाभि ऊपर और नीचे होती है। श्वास लेते समय पेट फूलता है, नाभि ऊपर की ओर उठती है। श्वास छोड़ते समय पेट संकुचित होता है। इस संकुचन तथा प्रसारण की प्रक्रिया को देखते जाइए, देखते जाइए। सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर केंद्रित रहिए। सोना नहीं है, पेट के विस्तार और पेट के संकुचन को देखते चले जाइए। अब अपनी चेतना को गले में ले आइए। श्वास के आवागमन को देखिए। श्वसन क्रिया का अनुभव गले में होना है। श्वास के आने जाने की क्रिया को गले में महसूस कीजिए। अपने संकल्प को दोहराइए, अपने संकल्प को मन में दोहराइए। वही संकल्प जो आपने योग निद्रा के दौरान किया था। पूर्ण जागरूकता के साथ अपने पूर्ण संकल्प को 3 बार मन में दोहराइए। संकल्प के समय अपनी भावना भी प्रबल होनी चाहिए। संकल्प में पूर्ण विश्वास, संकल्प के प्रति सजग बनिए। अब अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाइए। बाहर की आवाज़ों का ख्याल करिए, बाहर के वातावरण का ख्याल करिए। जो भी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है, सभी आवाज़ों को ध्यान से सुनिए। अपनी चेतना को धीरे धीरे बहिर्मुखी बनाइए। प्रारंभिक योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होता है। धीरे धीरे
अपने पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, सिर को हिलाइए, अपनी चेतना को शरीर से पुनः जोड़िए और पूरे शरीर को धीरे धीरे हिलाते जाइए। गहरे श्वास अंदर लीजिए और पूरे शरीर को फैलाइए। फिर धीरे से आंखों को बंद रखते हुए बैठ जाइए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त होता है। आंखें बंद ही रखें, 3 बार ओम का उच्चारण करें, लंबा गहरा श्वास भरें। एक बार फिर लंबा गहरा श्वास। एक बार फिर धीरे से दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। चेहरे व गर्दन पर हल्की मसाज करें। योग की ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में फैला दें। दोनों हाथों को चेहरे के सामने लेकर आएं। आंखों को कोमलता से खोलें। धन्यवाद।